shoes. Sandal shoes. Oh, I know. One day shoes. One day. Changing. Got a mini bag. Yes. Comfortable. Comfortable. And minimum 15 kg. Can I take a picture of you? Can you not stop? Can I take a picture? आयो दे। भाई के पैर में छाले पड़ रखे हैं, भाई फिर भी चल रहा है। पहुंचना है तो पहुंचना है बस। आपकी यात्रा सुखद हो, भगवान श्री राम आप सभी को गंतव्य तक सही पहुंचाएं। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपने देश का युवा है ना जी, वो इतना जाग चुका है, जैसे आप जाग रहे हो ना, इतना जाग चुका है वो हिंदू धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है। जो पहले सो रहे थे वो अब नहीं है, वो बात नहीं है। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका सीताराम सिंह दस्तूर आज अपना नोवा दिन है, जो कि अपने इच्छुक वक्त भरतपुर बॉर्डर से 15 किलोमीटर आगे ये यूके में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, जो कि हाँ ये इस होटल पे अपन ठहरे थे। ये होटल थी, वो रात का करीबन 1 बज चुका था। ये अपने भाई साथी है ना जो बाहर निकल चुके हैं और अब फिर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो यार काफी टाइम हो गया, काफी टाइम लग गया क्योंकि रात को 1 बजे पहुंचे थे, तो अब सुबह से टाइम हो रहा है 10 बजे। अब अपन ने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर चुके हैं और ये जो कि हाईवे है, ये आगरा हाईवे देते हुए जा रहे हैं अपन। जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम के ये नारे और जयकारे लगा रहे हैं यहाँ। जय श्री राम बोल रहे हैं। अपन इस वक्त आगरा हाईवे पे चल रहे हैं और करीबन 1 किलोमीटर चल चुके हैं और जो भाई यहाँ यूपी में मिल रहा है हर घर में जय श्री राम का झंडा फहरा कर अपने देश की शोभा बढ़ाओ ताकि देश को पकड़ो और हर हिंदू भाइयों को पकड़ो कि हमने जय श्री राम का ये झंडा लगाकर हर घर में हर आदमी। देखिए ये आसपास में ये पटरी है जो जैसे ये ट्रेन गुजरी है अभी और अपन 4 से 5 किलोमीटर चल चुके हैं। आज ये अपना 8वां दिन यात्रा सफल हो रही है। अब तो यार इन पैरों में इतना दर्द नहीं महसूस हो रहा, बाकी थकान तो महसूस हो रही है। कोई नहीं, श्री राम की मर्जी, अभी प्रभु श्री राम की मर्जी है यार, कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाएंगे आराम से। आप ही बताओ भाई, अपन 11 दिन में पहुंच जाएंगे क्या? अभी 450 किलोमीटर और तय करना है यार भाई। कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा कि हमें 22 को ही पहुँचना चाहिए या फिर 24-25 तक भी चलेगा। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों, मैं आपके कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा आपका कि आप ये लिखकर जरूर बताइएगा मेरे को कि हम 22 को पहुँचे या फिर 25 तक पहुँचाएँ। आपका प्यार ही हमें राम मंदिर तक पहुँचाने में सक्षम रहेगा, आप यूँ ही हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें। जय श्री राम। ये 4-5 किलोमीटर चलने के बाद में इस प्रकार के ये रेस्टोरेंट भी अपन को देखने को मिले। ये पितमपुरी सीकरी की आगे की जगह है जो जय श्री राम के नारे लगा रही है। गणेश रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छी रेस्टोरेंट है। जय श्री राम भाइयों, ये रेस्टोरेंट है यार, ये अपने भाई साथी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और एक भाई रास्ते में मिला था अपन को जो वो अपनी चाय पानी की उनकी व्यवस्था कर रहा है। ये फतेहपुर सीकरी के आगे के 4-5 किलोमीटर की जगह है। भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतीश यादव है जी। नीतीश यादव जादव अच्छा, जो कि ये भाई है जो इन्होंने यहाँ हमें बुलाया और इस ढाबे पे खाना खिला रहे हैं। ये अपने भाई लोग आ रहे हैं। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, जो अपने देश का युवा है ना जी, वो इतना जाग चुका है, जैसे आप जाग रहे हो ना, इतना जाग चुका है वो हिंदू धर्म के लिए अब कुछ भी कर सकता है। जो पहले सो रहे थे वो अब नहीं है, वो बात नहीं है।
जैसे आप जाग रहे हो ना वैसे सब जाग रहे हो। थैंक यू भैया, कभी भी नंबर ले लेना, पूरे यूपी में कोई भी दिक्कत आए बोल रहे। ओके ओके सर, चलो अब ये खाना वगैरह खाते हैं और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करते हैं। देखो खाना खाने के बाद में अपन अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी है। देखे भाई ने हमें अच्छे से खाना खिलाया, अच्छी व्यवस्था की, अच्छा भाई था, बोला यूपी में आगरा तक के जाए, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो हमें बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भाई नंबर देके गया है यार, तो होगा प्यार बता के कोई यहाँ यूपी में कोई दिक्कत नहीं थी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आपकी यात्रा आपको सफल हो जाएगी, आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही हमारी यात्रा सफल होगी। जय श्री राम भाइयों, ये अपने भाई साथी हैं जो ये खड़े हैं यहाँ, इनकी ये स्कूटी वगैरह खड़ी है, जो ये हमारे को ये चाय पानी और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और ये बोल रहे हैं कि बोला यार आपको कुछ खाना है, तो अभी खाना खाते ही चले गए, जैसे नितिन भाई ने खाने खिलाया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी यूट्यूब में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये वो भाई हैं अपने जो हमारे को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये फोटो वगैरह ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी यात्रा सुखा दो भगवान श्री राम, आप सभी को गंतव्य तक सही पहुंचाए। थैंक यू, एक बार बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो भाई लोगों, अब हालत खराब हो चुकी है, इस वक्त टाइम हो रहा है 2:09, आप देख सकते हो दोपहर में भी सायू पे चल रहे हैं, तो काफ़ी पसीना ही पसीना आ रहा है, तो हालत खराब हो चुकी है भाई, काफ़ी धूप निकल रही है, क्या करें यार, मजबूरी में चल रहे हैं भाई। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका सीताराम जो कि इस गार्डन में बैठा हूँ, मैं यहाँ आराम कर रहा था, ये अपने बिस्तर वगैरह थे, यहाँ थोड़ी थकान काफ़ी हो गई थी, आज धूप पड़ रही थी, ये अपने भाई खड़े हैं, अब यहाँ से हम चार थे, अब पांच हो गए, ये टाइगर है सामने और ये अपने भाई हैं जो अपनी यहाँ सुविधा दे रहे थे, इन्होंने अच्छी चाय पानी और नाश्ता वगैरह वो खिलाया। भाई हमारे लिए कुछ बोलना चाहोगे, हमारे लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? तो ये जो भैया जी आए हुए हैं बहुत ही धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, तो हमें जाते हुए देखे, हमने भैया जी को बोला थोड़ा आराम कर लें, तो भैया जी ने हमें सेवा का मौका दिया और यहाँ पे भैया जी थोड़ी बहुत देर के लिए घंटे आधे घंटे के लिए, जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक ये हमारे यहाँ पे, तो हमारे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर, आगे कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से आप भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं तो आगे बहुत अच्छा ही होगा। तो एक बार बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। ये भाइयों ने ये बोला है, देखो यहाँ बैठे थे अपन, कोई नहीं, अब अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं, तो चलो अपनी यात्रा का फिर से शुभारंभ करते हैं। ये भाई का गार्डन है यहाँ, कोई भी इधर देखने वाला तो यहाँ गार्डन बुक कर सकता है, यहाँ ये अभी नया गार्डन बना है, चलो अब निकल रहे हैं अपन। चाय पानी पीने के बाद अपन ने अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी है, क्योंकि एक ये भाई जो कि आगरा से हैं, जो अपने साथ जुड़ चुके हैं, जो कोई इनका नाम है टाइगर, और यात्रा हमारी चलते चलते कट जाएगी, राम का नाम लेते लेते पहुंच जाएंगे अयोध्या। भाई के पैर में छाले पड़ रखे हैं, भाई फिर भी चल रहा है, पहुंचना है तो पहुंचना है बस। देखो ये मैं भाई के साथ चल रहा हूँ, ये भाई का सपोर्ट और प्यार मिला मेरे को, और अब इनके साथ अपनी यात्रा 475 किलोमीटर यहाँ से दूरी पे स्थित वो श्री राम जी का मंदिर है जहाँ अपन पहुँचेंगे, तो भाई ने मेरे को हिम्मत दिलाई कि बोला नहीं यार टाइगर तेरे साथ है ना, तो बोला तेरे को वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा, तो थैंक यू भाई, तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई हर कदम पर राम का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो हम पद यात्रा वहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में है ना, पीछे जो ये जो अपने पीछे की तरफ खड़े हैं, और देखिए हाय हेलो, Can I take a picture? अयोध्या okay. अयोध्या श्री रामचंद्र जो कि ये हमारी फोटो वगैरह ले रहे हैं, ये हमारी फोटो वगैरह ले रहे हैं, और अब आप आगे की यात्रा फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, ये हमारी फोटो वगैरह ले रहे हैं।
ये अपने भाई हैं साथ में 10 डेज ओनली फॉर और आफ्टर 10 डेज टोटल 20 डेज वेयर आर यू स्टेइंग स्लीप होटल वगैरह होटल मंदिर टेंपल वगैरह सपोर्ट Yes. Support. People support. Nice. Hurry your feet. You okay? Yeah, done. Yes, yes. Good, You're good. Walking on in sandals? Yeah. Yes. Okay. Comfortable. Wow. Changing. Oh. Sandal, jute. Sandal, shoes. Sandal, shoes. Oh, I know. One day, shoes. One day. Days. Oh, Shopping. Changing. 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 You've got to be in your bag. Yes. Comfortable. Comfortable. Minimum 15 kg. जय श्री राम भाइयों, अपन रास्ते में चल रहे थे तो अपन को इस प्रकार ये फोनर वगैरह देखने को मिले, जो कि अपन ने इनसे बातचीत वगैरह की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी हमारा सपोर्ट करते गए हैं, तो इस प्रकार हमारा सपोर्ट करते भी ये अपने भाई जा रहे हैं। जय श्री राम भाइयों, मेरे थल्ले हो गए। देखिए अब काफी यात्रा करने के बाद में है ना, अपन ने यहाँ एक ये रेस्टोरेंट मिला अपन को, जो कि यहाँ खाना वगैरह खा रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, ये अपना खाना आ चुका है। ये अपने भाई दोस्त हैं जो ये खाना खा रहे हैं। ये अपना जोगिंदर भाई है, जो कि गणेश भाई, जोगिंदर सारा भाई गणेश। अब चलो अपन खाना वाना खाते हैं। देखिए अपन ने अपन खाना वाना खा लिया है, ये रेस्टोरेंट था जो अपन ने खाना खाया। ये अपने साथी बाहर निकल चुके हैं और अब अपन ये यात्रा फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 11:15 बज रहे हैं और हमारी रैली की यहाँ रहने की व्यवस्था हो गई है। भाई बच्चे सपोर्ट के गाड़ियाँ ठहरे हुए हैं, ये अपने बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं। ये अपने भाई, ये दुकान है, इसमें अपनी इन्होंने हमारी व्यवस्था की है। ये हमारे लिए पहले नाश्ता वगैरह लेके आए थे रात को। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।